Hey, what's up YouTube? It's Taidan from Your Fit Universe. आज हम लोग परफॉर्म करेंगे चार फैट लॉस एक्सरसाइज एट होम विदाउट एनी वेट्स. सो लेट्स बिगिन. एक ग्रेट एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जरूरी होता है कि हम लोग अच्छी तरीके से वार्म अप कर लें. शुरुआत करेंगे वार्म अप से. वार्म अप ज़रूरी क्यों है, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में बताया हुआ है और इंस्टाग्राम पर मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया हुआ है. अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए. मैं वहाँ पर जिम से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो डालता रहता हूँ. वार्म अप करना ज़रूरी इसलिए है ताकि आपके जॉइंट्स के बीच में जो एक साइनोवियल फ्लूइड नाम का एक पदार्थ होता है जेली जैसा, उसे आपको लूज़ करना होता है. हमारे ज़्यादा देर आइडल बैठने से या फिर सोकर उठने के बाद या खास करके ठंडी के सीज़न के अंदर वो साइनोवियल फ्लूइड जम जाता है और उसे हमें लूज़ करना ज़रूरी होता है ताकि हमारे बोन्स इजीली और फ्रीली मूव कर सके और कोई भी इंजरी ना हो वर्कआउट करते टाइम. और दूसरा रीज़न ऐसे है कि अगर जो भी मसल पर हम लोग वर्कआउट परफॉर्म करने वाले हैं उस मसल तक हम लोगों को अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो करना होता है, तो वार्म अप आपको इतना करना है कि आपकी हार्ट बीट पंप हो, आपका हार्ट पूरी तरीके से पंप हो, आपकी हार्ट बीट एलिवेटेड हो जाए और पूरे मसल्स तक अच्छी तरीके से ब्लड फ्लो हो जाए. ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो जब मसल पर हो जाता है तो अच्छी तरीके से मसल काम करने लग जाते हैं, अच्छा और बेटर परफॉर्म करते हैं मसल. तो वार्म अप में जैसे आप देख रहे हो हम लोगों ने वीडियो के अंदर जंपिंग जैक्स किए, टो टच किए, फिर मैं आगे विंडमिल टो टच करूँगा और लैट्स के स्ट्रेच वगैरह किए मैंने. तो आपको जो वार्म अप पसंद हो आप वो कर सकते हो या वीडियो में दिखाया हुआ वार्म अप भी आप परफॉर्म कर सकते हो. एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. शुरुआत करेंगे हाई नीज से. ये फैट लॉस के लिए एक बेटर एक्सरसाइज है जो आपका घर में ज़्यादा स्पेस भी नहीं लेगी और आप कहीं भी इसे परफॉर्म कर सकते हो. आपको आपके हाथों को कमर की हाइट तक रखना है और नीज को अपने हाथों पर टच करना है. ध्यान रहे कमर की हाइट तक आपको हाथों को रखना है और आपकी नीज को सिंपली अपने हाथों पर टच करना है जैसे आप भाग रहे हो. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं. नेक्स्ट एक्सरसाइज है बर्पीस. मैंने यहाँ पर स्टैंडर्ड बर्पीस की हुई है. अगर आप चाहे तो बर्पीस के अंदर अलग अलग वेरिएंट्स होते हैं, आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली बर्पीस में आसान वेरियंट्स भी होते हैं और बहुत ज़्यादा मुश्किल वेरियंट्स भी होते हैं. यह आपके स्ट्रेंथ के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी वाली आप परफॉर्म कर सकते हो. स्टैंडर्ड बर्पीज़ के अंदर आपको पुशअप की पोजीशन तक जाना है, वापस उठना है और एक्सप्लोजिवली ऊपर की तरफ जंप करना है जितना ऊपर आप जंप कर पाओ. जैसे आप वीडियो में देख रहे हो मैंने यहाँ पर पुशअप भी परफॉर्म किए हुए इसके अंदर, क्योंकि मुझे ये वाला वेरिएशन ज़्यादा पसंद है. अगर आप ये ना कर पाओ तो आपको पुशअप नहीं करने हैं, आपको सिर्फ पुशअप की पोजीशन तक जाना है, वापस से उठना है ऊपर की तरफ और जंप करनी है. अगर आपकी स्ट्रेंथ और ज़्यादा लो है, आप जंप भी ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, आपको बस उठकर खड़े रहना है. आपको जंप अगर नहीं करना हो तो आप सिर्फ उठकर खड़े भी रह सकते हो. जैसे आप देख रहे हो मैं नॉर्मल बर्पीस परफॉर्म कर रहा हूँ. आपको जंप उतनी ही करनी है जितना आप जंप ऊपर कर पाओ, आपको बिना वजह ऊपर तक जंप करने की कोशिश नहीं करनी है. अगर आप में स्ट्रेंथ कम हो तो आप एक और चीज़ कर सकते हैं. अगर आप जंप करना चाहो या आप जंप कर पा रहे हो और आप ज़्यादा ऊपर तक नहीं जंप कर सकते हो तो आप बीच में थोड़ा सा पॉज ले सकते हो. जैसे मैंने अभी बताया हुआ है आपको पुशअप की पोजीशन तक जाना है, उठ के खड़े रहना है, स्लाइड पॉज है बीच में और उसके बाद में जंप. नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे. नेक्स्ट एक्सरसाइज है जंपिंग स्प्लिट स्क्वाट्स. इसके अंदर जैसे हम लोग लंजेस के लिए पोजीशन लेते हैं वैसे आपको एक लंजेस की पोजीशन लेनी है और एक्सप्लोजिवली ऊपर की तरफ जंप करना है और अपने पैरों को आगे पीछे की तरफ करते रहना है. आपको दोनों पैरों को बदलते रहना है हर जंप के साथ. जैसे आप देख रहे हो मैं अपने पैरों को स्प्लिट कर रहा हूँ और स्क्वाट्स परफॉर्म कर रहा हूँ. आपकी पीठ सीधी होगी, स्कैपुला रिट्रैक्टेड होगा और आपकी कमर में लाइट हिंज होता जाएगा जिससे आप पीछे की तरफ बैठते जाओगे जैसे जैसे आप नीचे की तरफ हो जाओ. आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे
आपको अपने घुटने को ज़मीन पर टच नहीं करना है, एक्सप्लोजिवली जंप करनी है। मैं सारी एक्सरसाइज की लिस्ट और कितने राउंड परफॉर्म करने हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो प्लीज़ वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टैंडर्ड पुशअप। इस वीडियो में मैंने आपको जितने भी एक्सरसाइज बताए हैं उन एक्सरसाइजेस के आपको 8 से लेके 15 रिपीटेशन तक परफॉर्म करने हैं अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, और 2 से 3 आपको राउंड्स इनके करने हैं आपके स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंगली, तो आप इस सर्किट को कंप्लीट कर पाओगे। और कम से कम टाइम के अंदर आपको इसे परफॉर्म करना है, ज़्यादा आपको रेस्ट नहीं लेना। अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं करना चाहो तो आप क्लैपिंग पुशअप भी कर सकते हो। परफॉर्म कीजिए इस सर्किट को इस हफ्ते में 3 बार और पाइए बेटर फैट लॉस रिजल्ट। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। I'll catch you in the next one.